किशन बाग में गुज़िश्ता रोज़ कैब ड्राइवर की लापरवाही से हलाक हुए कमसिंह बच्ची की नाश पोस्टमार्टम के बाद उनके सरपरस्तों के हवाले कर दी गई। रुकन असम्बली चार मीनार सैयद अहमद पाशा कादर की मौजूदगी में पोस्टमार्टम का अमल अंजाम दिया गया। बाद में मीडिया से बात करते हुए मजलिसी कॉरपोरेटर नसरिन सुल्ताना ने बताया कि मासूम लड़की की हलाकत बाइस अफसोस है। ड्राइवर की लापरवाही ने एक कमसिन बच्ची की जान ले ली। उन्होंने पुलिस से भी लापरवाह ड्राइवर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया। पाँच मिनट मतलब चाहिए इससे पहले बस उसी जगह मिल जाएगा। आगे बच्ची आयुष कुमार गई बच्ची एकदम मारते ही गिर गए तो डैम रहा था पूरा गाड़ी पड़ गई दवाखाने को लेके गए गाड़ी टक्कर हुआ गाड़ी आगे तलब की बच्ची जैसा हॉस्पिटल को हम जा रहे हैं हॉस्पिटल जा रहे तो हमने हुआ रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं रात में 7 बजे मुझे इतला मिली कि ये किशन बाबा नगर में बच्चे जो है सो तालाब कट्टे की थी 1.5 साल अफशान सिद्दीक़ा बल्कि वो बच्ची का एक्सीडेंट हुआ है। मैं जैसा नकीब मिलत बहरा छोड़ा था 2 दिन अवेसी साहब को इतला करी आप फ़ौरन जाइए बोले। फिर मैं MLA साहब को सैयद अहमद पाशा कादर साहब को भी इतला दी। उन्होंने भी बोले कि मैं जाऊँ मैं डॉक्टर से भी बात करा और अपने सर्कल से भी SI से भी बात करा आप जाइए और पूरा बच्ची को जो है सो हम लोग रात में डेड बॉडी यहाँ रख दिए थे अभी उस्मानिया से लेके निकल रहे तकरीबन इनके माँ बाप को सबर दीजिए। और मासूम बच्ची है जो उबेर कैब वाले है एक हाथ में फ़ोन था एक हाथ से कैब चला रहे थे बहुत तेज़ रफ्तार में ला के बच्ची को मार दी। ये मासूम बच्ची 1.5 साल की है जो मेरे तालाब कट्टे में सूफी किराना स्टोर करने रहती है वो बच्ची का भी डेड बॉडी लेके निकले हैं हम लोग। इंशाल्लाह ताला मैं नकीब मिलत बारह सरसदुद्दीन अवैसी साहब को भी इतला दी कि हम लोग अभी डेड बॉडी लेके निकल रहे। सैयद अहमद पाशा कादरी साहब भी आए थे उन्होंने
दोनों भी बोले कि डेड बॉडी पूरी दिलाए तक आप नहीं जाना बोल के बोले, मैं पूरी डेड बॉडी दिलाई है। हमारी यही डिमांड है कि बच्चे मासूम बच्चे जब गलियों में खेलते तो उबेर कैब हो या ओला बुक करा के मासूम बच्चों को देखते हुए वो लोग कार पार्किंग करें ना, कि जैसे बच्चे जद में आ जा रहे हैं। ये 1.5 साल की बच्ची मासूम घर का नहीं खेल रही थी, वो बच्ची को जैसे मार लगा है जब ही हेलाक हो गई बच्ची। बहुत अफसोस की बात है हमारे लिए कि तालाब कटे के अंदर किशनबाग में अपने नानी के घर गई थी मिलने के लिए, वापस डेड बॉडी लेके जा रहे। बहुत अफसोस बात है कि इनके माँ बाप को सब्र दीजिए। इंशाल्लाह ताला मैं भी डेड बॉडी लेके जा रही हूँ, उनके घर पे भी जाके उनकी वालदा से भी मिलूँगी। चलो आप लोगों से तमाम से यही है कि जितने भी जो भी हमारे साथ सुबह 10 बजे से यहाँ दवाखाने में है उन सबका शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि हम लोग 10 बजे आ गए थे, यहाँ थोड़ा लिखा ही उसमें पढ़ाई में समझे देर हो गई। इंशाल्लाह अभी डेड बॉडी लेके हम जा रहे हैं। जैसा कि उबेर कैब है या ओला कैब वाले हैं या मैनर बच्चे जो सो एक लाइसेंस है एक जने ड्राइविंग कर रहे हैं, जैसा कि हमारा यही मुताबला है कि पुलिस वाले इनको रोके और इनके ऊपर एक्शन ले। जैसा कि आज 1.5 साल की बच्ची हमारी मासूम बच्ची की जान गई है, बहुत अफसोस की बात है कि हम बोल नहीं सकते वो एरिए में। अब ये जो बच्ची जो है मैडम, ये जो गाड़ी चला रहे थे उबेर वाले, ये गाड़ी ओनर कौन है इसके? अभी तक तो मालूम नहीं हुआ। पुलिस वाले बोले कि हम लोग ये डेड बॉडी लेके गए बाद में इंशाल्लाह बोलेंगे बोल के बोले। हम वो रात में गए थे और एस आई से भी बात करे, वो सर्कल से भी बात करे, उन्होंने बोले कि हमारे को तयबंदी है कि हम बुला के बात करेंगे मैडम और हमसे जो हो सकता बराबर करेंगे। कैब भी हम ले लिए नाके में है और वो बच्चा भी जो ड्राइविंग कर रहा था वो बच्चा भी नाके में था और वो जैसे गैर मुस्लिम ड्राइवर है। हम लोग बोले वो लोगों पर एक्शन लो बोले, इंशाल्लाह हम जाके बात करेंगे उनसे भी सर्कल सबसे सामने जाके बात करेंगे। गाड़ी दूसरों के नाम से है, हम जाके शाम में बात करेंगे उनसे हम बच्ची का।